गाइस वेलकम टू द पबजी मोबाइल लाइट अनदर गेम प्ले। जी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। भाई एक भैया क्या बोल रहे हैं कि भैया मेरी भैंस ने कल जियो का सिम खा लिया। अब वो दूध तो दे रही है लेकिन बीच में ही लैग कर जा रहा है, बाल्टी तक पहुंच ही नहीं पा रहा। अच्छा तो दूध बाल्टी तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो ऐसा करो ना अपनी भैंस की पूंछ उठा के देखो टावर पकड़ रहा है कि नहीं। अब भाई 3 नंबर रैंक पुश कर रहे थे और इनको जाना था एस में, तो ले आके पटक दिए यहाँ सुरंग में। हम कहे 3 नंबर कहाँ पटक दिए, यहाँ कोनो कुछ मिलेगा? वो 3 नंबर मिलेगा मिलेगा भैया, 3 नंबर वो कैन दे दिया वो भाई, मेरा नेट शुरू हो गया यार। भाई सब लोग जल्दी जल्दी लूट रहे थे और 4 नंबर को कुछ मिल ही नहीं रहा था, उनको खुजली हो जाती है। अरे 3 नंबर का है अभी लूटा था, ओ है 3 नंबर, 3 नंबर का नहीं छोड़ दिया। अरे भाई लो 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 गन लो गन लो। कहे 2 नंबर गन छोड़ता हो वरना खोपड़ी खा जाई हो। अब भाई 3 नंबर एक तो इतनी खराब जगह उतारे, ऊपर से गाड़ी लेके भागे। हम क्या हमको भी बैठाओ बे, अबे हमको भी तो ले जाओ। ले भाई साहब गाड़ी लेके अकेले ही पूरा स्पोर्ट लूटने निकल गए। हमने कहा लो भैया अब हम पद यात्रा करते हुए स्केटिंग स्केटिंग मारते हुए स्पोर्ट पहुंचते हैं और देखना इतनी मजा आएगी इन लोग के साथ 2 मैच खेले। आई गॉट सप्लाइज भाई साहब। क्या है अंधौड़ा है का? अबे M416 लिखा तो है उस पे। बस भाई ये भाई किस वाले घर में है? जिस घर में हम है ना उस घर में चले आओ, एनिमेट किया है ना इसी घर पे चले आओ। आई गॉट सप्लाई तो किया था। अब भाई साहब हम पूरा आधा घंटा उनका लूट लिए, इधर उधर कर लिए और इनको अभी तक M416 मिली नहीं, तब तक पीछे से क्या बोलते सुनो। भाई साहब M4 कहाँ है? लो भैया अभी तक इनको M4 मिली ही नहीं, लग रहा है अब इनको हाथ पकड़ के दिखाना पड़ेगा। सारा गोबर हमें मिल गया का? अब भाई 2 नंबर सबको कह रहे हैं आ जाओ सब लोग गाड़ी में बैठो चलना है, जोन आने का टाइम हो गया। और जब जोन आ गया तो भाई सब ऑफलाइन ही हो गए। अब गाड़ी उठा के हम लोग इधर आ जाते हैं, तब तक अचानक से पीछे से AWM की आवाज आती है खट से, तो देख लो 3 नंबर सत्या तुरंत मुंडी निकाल के देखने लगते है कौन चलाया गोली, कौन है AWM वाला। जब देखते है कोनो है ही नहीं तो तुरंत अंदर बैठ जाते हैं। भाई M4 एमो नहीं है। जब बंदों के पास ले आए तो कह रहे गोली नहीं है, तो आधे घंटे तक स्पोर्ट में क्या कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। अब हम इधर जाते हैं तो 3 नंबर उधर जाते हैं, जब इधर आते हैं तो 3 नंबर इधर आते हैं। हम कहीं कर क्या रहे, तब तक एक आदमी दौड़ने लगते हैं। हमने कहा लो बेटा कंटा AWM से बुला रहे थे, कहां भाग रहे हो? और 3 नंबर को देख लो, अबे जमीन पे गोली मारने आए हो कि बंदे को गोली मारने हो? और एक पतंजलि वाले हमारी टीम को ठेल देते। हमने कहा लो बेटा कंटा, हमने कहा 3 नंबर मारो उसको, 1 HP है वो। देखते हैं तो ये भाई सब उछल के मार रहे हैं, कभी उसको लेट के मार रहे हैं। अबे सीधा खड़े होके मार दो भैया, मर जाएगा वो, काहे इतना मेहनत कर रहे हो? अब जाओ गुली गुली करो, तब तक पीछे से KD भाई देवता जाते कहते कार्टून कार्टून हो, मेरा हिस्सा कहाँ है? हमने कहा लो बेटा कितना हिस्सा चाहिए तुम्हें, इतना मेहनत हम कर रहे हैं और हिस्सा तुम लोग नहीं देंगे। हमने कहा 3 नंबर कर कह रहा है, तो देख लो भाई साहब वहाँ छुपे हुए हैं। हमने कहा 3 नंबर अरे क्या कर रहे हो, बॉट मार रहा है 3 नंबर, अरे बॉट मार रहा है मारो उसको, सारा गोबर हमें मिल गया क्या? भाई साहब 3 नंबर की हालत ऐसी है कि जैसी गोली की आवाज सुनते थे तुरंत घर के अंदर भाग जाते थे, पता नहीं कौन सा रैंक पुश कर रहा है। और ये इधर लूटे पड़े थे, तब तक KD भाई देवता की बीवी आ जाती, कहती है कार्टून हमारे पति को हाथ कैसे लगाए? हमने कहा इसे हाथ लगाए जैसे तुम्हें हाथ लगाए, चलो ऊपर जल्दी से। और ये देख लो भाई क्या कर रहे हो यार, कैसे खेल लो, लूट लो बाद में पहले हेल्थ किट तो लगा लो यार। तो कह रहे मेरे पास हेल्थ किट नहीं थी। हमने कहा चलो कोनो बात नहीं, अब फिर गोली गोली करते। और सामने एक बंदा UMP चला रहा था तो हम लेटे हुए थे, तो भाई साहब फिर उसी के सामने जाके और हेल्थ किट लगा रहे, देख लो प्रसाद दे देता है इनको तुरंत। हमने कहा ये भगवान क्या कर रहा है, तो 3 नंबर देखो तुरंत भाग के सेक के अंदर चले गए। हमने कहा हम ही खाली रिवाइव देंगे, कहा हम ही गुली गुली करेंगे, ये 3 नंबर कर कर रहा है, साला तुम लोग मेरी खोपड़ी खा गए, हम जा रहे हैं। अब भाई 4 नंबर कुछ भी बोलो तो खाली यही बहाना मार दे रहे थे, हेल्थ लगा रहता है, हेल्थ किट नहीं थी भाई, हेल्थ लगा रहा था। और अभी जो हुआ ये तो छोटी मोटी बात है, अब सामने गिरा रहता है ड्रॉप, वहाँ लेके जाते हैं, अभी देखना क्या होगा। एक भाई साहब AWM निकाल के बैठे हुए हैं और एक अंदर आराम से पलस्ती मार के बैठे AC की हवा खा रहे, गोली उली चलाने से कोनो मतलब नहीं। एक आदमी लेटे थे, हमने कहा बेटा पिच के आओ चलो ऊपर, ऐसा पिचकियाँ करते 1 किलोमीटर ऊपर उड़ जाते हैं। और देख लो भाई साहब गोली चलाओ भैया, AWM नहीं चलाते हैं यहाँ पे, लो बेटा तुम भी पिच के आओ चलो ऊपर तुम भी सब लोग। और 3 नंबर को अभी तक बंदे दिखे नहीं, जब आधे घंटे बाद
बंदे दिखते हैं तब भाई सब गोली चलाना स्टार्ट करते हैं। उधर वो बंदा आरपीजी चला रहा होता है तो हम उसको देख रहे होते हैं, तब तक गाड़ी ठुक जाती है और चार नंबर गाड़ी से तुरंत उतर जाते हैं। तब तक एक और आरपीजी मारता है भम मदे, हमने कहा क्या करें, तब तक तीन नंबर उतर जाते हैं, हमने कहा रुको बेटा अभी बताते। जो बंदा आरपीजी उठाया था उसके पास एमओ थी नहीं, बेचारा आरपीजी लेके बस हाथ में लेके टहल रहा था, तब तक आके आरपीजी की गोली उठा रहा था। हमने कहा लो बेटा कंटाप मारो इसको, जल्दी से पकड़ के गला दबा दो, चार नंबर घेरो उधर से, पुत्र क्या कर रहे हो, वो कंटाप मारो उसको, लो बेटा कंटाप चलो ऊपर, मजा आया कि नहीं। कह लो भैया पहले लूट ले, तब तक तीन नंबर चिल्लाना शुरू कर देते हेल्प हेल्प। हमने कहा लो भैया पहले इनकी हेल्प कर दे, तब तक केडी भाई देवता को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, कहते कार्टून कार्टून हो इधर गाड़ी के पास है, लो भैया मेरा हिस्सा का है। हमने कहा हिस्सा चाहिए चलो ऊपर। भाई हमारे टीममेट्स को मिल गया रहते गुम्मा, और ये लोग इतने खतरनाक इंसान थे कि अपनी गाड़ी के ऊपर गोली चला रहे। हमने कहा भैया सब लोग आके गाड़ी में बैठ जाओ, तो तीन नंबर दौड़े दौड़े आते मारते भम से, हम कहीं क्या कर रहे हैं बे, गोबर है का दिख नहीं रहा अपनी गाड़ी, वो तो बोलो इन लोग को लॉन्चर नहीं मिला, वरना लॉन्चर से अपने ही आपको उड़ा डालते। अब भाई सब इधर एक बंदा दिखता है, हम जाते गाड़ी लेके, भाई सब ऐसा गोली चलाता है कि गाड़ी पूरी डैमेज कर देता है। हमने कहा उतरो यहाँ पद यात्रा करना है। जब देखते हैं कि तीन बंदों ने इनको घेर लिया है तो तुरंत इनको पेशाब लग जाती है, पेड़ के पीछे पेशाब कर रहे होते हैं। हमने कहा अभी इनको बताते हैं, लो बेटा कंटाप तुरंत इनका 5000 का चालान काट देते हैं। हमने कहा चलो ऊपर जल्दी से 5000 की पर्ची कटवाओ। अब भाई बंदों को ढूंढ रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ छुप के बैठे होते सब, हेलो कबड्डी हेलो कबड्डी कहाँ हो, तब तक पीछे से एक बत्तख की आवाज आती है, गोली चल रही होती है, कुकिक कुकिक। हमने कहा अभी बताते लो बेटा, अबे कहाँ निकल गया, और ये भाई सब किस्तों में गोली चला रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। हमने कहा लो बेटा पेच किया हूँ, आई क्या हो गया भैया। हमने कहा लो बेटा कंटाप मार, तीनों तरफ से गोली चलती है, तुरंत राकेश जी चले जाते ऊपर। हमने कहा भैया मर गया, अब हमने कहा बैठो जल्दी गाड़ी में, तब तक देखना चार नंबर को, लो भैया सारा गोबर हमें मिल गया क्या, अपनी ही गाड़ी पे गोली चला के खराब कर दिए। तब तक सामने बंदा गोली चलाना स्टार्ट कर देता है, हमने कहा रुको भैया हम तुरंत बम फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, हम कहा मत जाओ, तो तीनों चार नंबर को किल मिला नहीं था और दोनों लोग को चाहिए था किल, और दोनों लोग एकदम घुस जाते हैं। अब तीन नंबर को रैंक पुश की याद नहीं आ रही और मार भी नहीं पा रहे बंदे को, खाली गोली खा के आ जा रहे। तब तक चार नंबर जाते हैं और गुम्मे का प्रसाद देते हैं भम भम, और हो जाता है चिकन डिनर। कहाँ ले जाए, हम कहे टाइटल वो तो बहुत दूर है, वहाँ तो न कोनो मक्खी आएगी न कोनो मच्छर आएगा, टाइटल को जा रो स्टेडियम चलो, तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ब्रो नो ब्रो, नहीं नहीं, हम कहे ठीक है भैया जहाँ मन करे वहाँ उतारो। अब ये काकड़ों पाकड़ों में बात कर रहे थे तो हम इंग्लिश में बात करने लगे, तो हमारी इंग्लिश सुन के इनको शौक लग जाता है। ब्रो इंग्लिश? Yes bro, my English is very good. I study in English medium school. Okay. Telugu nahi hai, Telugu. In Telugu, I know only two magical words. Chapo anna. Okay bro. Okay, word match par yamar. माई कंट्री साउथ अफ्रीका। अबे हिंदी में बात कर रहे हैं तो इंडिया से तो होंगे, पूरा गोबर है काई। और अभी दो नंबर को सुनना। Okay, let's go. ब्रो कवर में, कवर में, हेलो भाई हेलो हेलो भाई कवर पे आता। भाई ये लोग पैदल पैदल जा रहे होते हैं, हम तुरंत गाड़ी उठा लेते हैं। हमने कहा भैया चार नंबर बैठो आके गाड़ी में, तो ये भाई सब आसमान में देखो क्या ढूंढ रहा है, गाड़ी में बैठ ही नहीं पाते हैं ये लोग, बैठो जल्दी यार क्या कर रहे हो। और उधर दो नंबर को देखना गाड़ी पे ही गोली चलाने लगते हैं, हम कहे यार क्या कर रहे भाई ये लोग, गाड़ी खराब कर रहे हैं, कोई आसमान में ढूंढने लगता है बैठने को बोलो तो, हमारी तो खोपड़ी दर्द हो। इन लोग को बैठा के हम टहल लेते तो एक केडी भाई देता कहते कार्टून कार्टून हो हमारा पिछिया करो, लो बेटा पेच किया हूं। और ये लोग भी भाई सब गोली नहीं चलाते, आराम से गाड़ी में बैठे रहते हैं। हमने कहा बैठे रहो, तब तक सामने से एक गाड़ी जाती है, हम कहे तीन नंबर जल्दी गाड़ी में बैठो, तीन नंबर ए तीन नंबर बैठो गाड़ी में, तो देख लो भाई साहब आते हैं बैठते हैं उल्टा हम ही लोग को ज्ञान अभी देना शुरू कर देंगे, क्योंकि डर क्यों रहो बंदों से। अरे भाग क्यों रहे हो भाई तुम लोग यार, गाड़ी आ गई तो क्या होगा, साले को मार रहे हो क्या होगा। अबे भाई डर कौन रहा है, हम लोग तो लेके जा रहे बंदों के पास, देखो सामने गाड़ी आ रही है अभी दिखाते, लो बेटा भम ऐसा टक्कर मारते गाड़ी पलट जाती है, और ये लोग गुम्मा मार मार के गाड़ी फोड़ डालते।
ये लोग तुरंत दौड़ के लूटना शुरू कर देते। हमने कहा मन तो हमारा भी है, हमने कहा रुको भैया हम भी थोड़ा लूट ले, काहे से मेहनत हम भी किए, हम भी तो टक्कर मारे तभी ना गाड़ी रुकी है। हाँ उठाओ जल्दी उठाओ जल्दी। अब भाई साहब देखना क्या होगा, हम कहेंगे इन लोग से गाड़ी में बैठने को और ये लोग बैठ ही नहीं पाएंगे, मतलब चार नंबर तो अलग ही सिस्टम में रहेगा। हम एकदम डंडा कर देते हैं हॉर्न बजा बजा के और सुनो इन लोग को। हमने कहा चार नंबर वो गाड़ी फूट चुकी इसमें बैठो। अरे तीन नंबर पीछे कहाँ जा रहे हो, चार नंबर गाड़ी इधर है। अरे के नाप ले रुके गाड़ी का, अरे बैठो जल्दी। अरे क्या ब्रो 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 क्या आगे भी तो कुछ बोलो, अबे बैठ। अबे भाई ये लोग बैठ ही नहीं रहे। अरे घूमे की गोली कहाँ है मेरे पास, सही नहीं कहाँ से दे दे। उधर केडी बड़ा देवता जे थे ये कहते कार्टून आधे घंटे से चिल्ला रहा है, काहे नहीं गाड़ी में बैठ रहे हो। तब तक दो नंबर बम से उड़ा देते तीन नंबर को और चार नंबर रोने लगते कि हमको भी बैठाओ। हमने कहा अरे भैया अब जल्दी बैठो तुम लोग गाड़ी में वरना हम चले जाएंगे, तब तक देख लो। हमने कहा चार नंबर इधर गाड़ी है भैया तुम ठीक से बैठ जाओ, तब तक तीन नंबर को खुजली हो जाती है। तीन नंबर क्या कर रहा है, वो अपनी गाड़ी है। अबे तीन नंबर क्या कर रहा है भाई साहब, तीन नंबर एकदम गाड़ी फोड़ने में लगे थे और दो नंबर पिचिक से गोली मारते हैं, दो गोली तीन नंबर चले जाते ऊपर। अरे भाई ब्रो नंबर ब्रो। अबे डरा क्यों रहे बे, क्या ब्रो ब्रो भाई उसके आगे भी तो बोलो। अब भाई साहब चार नंबर सेफ खेलना चाह रहे थे तो ऊपर जा रहे थे झूले के ऊपर, तब तक वहां से आवाज आती है भम दे लॉन्चर की। हम कह लॉन्चर चल रहा है पीछे भागो नीचे भागो, सब लोग भागो नीचे। तो उधर देख लो वो कह रहे हैं सेफ खेलना है ऊपर जाएंगे। मना कर रहे हैं मत जाओ, लॉन्चर लेके बैठे हैं बंदे मार डालेंगे, लेकिन नहीं भाई साहब सेफ खेलना था, झूले पे चढ़ के झूला झूलना था। अपने तो गए सनम साथ में हमको भी ले डूबे। हमने कहा भैया चलो अब जो होगा देखा जाएगा, कहे से दो नंबर एकदम दौड़े दौड़े चले जा रहे थे। क्या वंटी कुट्टी रुक जाओ भैया आ रहे, तब तक भाई साहब पूरा ले लेता है दो नंबर को। हमने कहा रुको भैया आ रहे प्रसाद, पूरा ब्रो ब्रो करके मेरी खोपड़ी खा गया। लो बेटा कंटाप चलो ऊपर जल्दी से लॉन्चर चलाओगे फिर। अभी इन लोग को मारा ही था तब तक एक बग्गी आ जाती है हमारे ऊपर रस कर देती है। हमने कहा लो भैया लंका लग गई और दोनों एक साथ में बंदे आ रहे थे, हमने कहा चुपचाप एकदम बैठे रहो। बेटा थर्ड पार्टी करने आए थे, सिस्टम हिला देंगे सिस्टम। अब इधर हम इन लोग को मार रहे थे और ये लोग पता नहीं क्या आपस में बात करते थे, पार्ला कुरला कुछ समझ ही नहीं आया। हम थोड़ी देर समझने की कोशिश किए लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो हमने कहा छोड़ो अब भाई प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमको चिकन डिनर चाहिए। ब्रो रिमेनिंग इज 7 नंबर ब्रो। तो क्या करें नाचे क्या, आई वांट चिकन डिनर। क्या चुप कर, सचिन हमेशा 99 पे आउट हो जाता है, हमको डराओ नहीं वरना जो है कहीं हिट विकेट ना कर ले। हमने कहा चलो भैया जल्दी से बग्गी निकाल के चलते जोन में। और भाई साहब ये जोन ऐसा बन गया कि पानी के उस पार, मतलब आज तक हम जितने भी मैच खेले हैं कभी वैसा जोन बना ही नहीं था, मतलब कल भी ऐसा जोन बन गया और आज भी इतना खतरनाक जोन बन गया। ये जोन बना कौन रहा है, उसका नंबर मिल जाए गुम्बे से मार के उसका खोपड़ी फोड़ डालेंगे। ब्रो 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 चू बे क्या हुआ बे, डरा क्यों रहो, एनिमी तो है खोपड़ी खा जाओगे क्या, कहाँ एनिमी। अबे अबे क्या कर रहा है, अभी मर जाएंगे भाई ठीक से मारो। अबे ये कौन आ गया, अरे भाग रे भाग, अरे भाग रे भाग, अरे एनिमी बीच में, अरे भाई रे भाई, अरे बचाओ अरे बचाओ, अरे कोई है क्या, अरे तीन नंबर, अरे चार नंबर जल्दी बचाओ, तब तक सामने से गोली मारता है। हम क्या क्या कर रहे हो, तुम लोग जीने नहीं दोगे क्या बे। भाई हम इन लोग को दौड़ा रहे होते हैं और एक आदमी को बहुत खुजली मची रहती है हमको मारने के लिए, कहे से उनके पास गुम्मा था, जैसे ही आते लो बेटा भम 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 चलो ऊपर जल्दी से, क्या गुम्मा ले लियो तो क्या खोपड़ी खा जाओगे क्या मेरी। कोई लॉन्चर मार रहा है कोई बम फेंक रहा है, हमने कहा ये क्या यार लॉन्चर उन्चर कहाँ से आ गया इसमें बीच में। हमने कहा लो भैया पीछे जाके छुप जाते हैं, यहाँ कोनो हमको देख नहीं पाएगा, तब तक गोली मारना शुरू कर देता है एक बंदा। हमने कहा क्या कर रहा है भाई, अबे कैसे खेल रहा है भाई साहब, बाइजन से 1 HP कर दिया यार चार पांच गोलियों में, हमको समझ ही नहीं आया बाइजन इतनी अच्छी कैसे चल रही है यार, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं था मामला। हमने कहा भैया रुको जोन बनने दो, जोन जैसे ही बनेगा उसके बाद निकलेंगे। अब भाई साहब जोन बन जाता है सब लोग भागने लगते हैं, आपस में बिजी हो जाते हैं मार करने में। हमने कहा निकलो भैया जल्दी से।
भागे बेटा, लो बेटा भम भम भम, चलो ऊपर जल्दी से। क्या लगाए हो अपनी बंदूक में? किंग कोबरा का जहर तो नहीं घुसेड़ दिए? अब भाई सिर्फ दो ही बंदे बाकी थे और पीछे लॉन्चर वाला था। हमने कहा जाओ बेटा अभी बताते, जैसे इनके दोस्त चले आते हमने कहा जाओ लो बेटा भम भम भम, चलो ऊपर जल्दी से। कहा आखिरी बंदा? ये क्या हो गया पुत्तन? ए पुत्तन जरा बड़ा वाला डंडा लाना तो इसकी खोपड़िया पे मारे।